तो कल भी मजा आया होगा भाइयों आप लोग को। और देखो बिग बैश लीग कल भी हमारा प्रॉफिटेबल रहा, कल क्लीन स्वीप नहीं हुआ लेकिन 80% कॉन्टेस्ट फिर भी हम लोगों ने जीते, मोटा पैसा कल भी कमाया। तो लगातार हमारी विनिंग जो है अच्छी चल रही है, लगातार हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ साउथ अफ्रीका वाला जो T20 मैच है वो तो भी स्टार्ट हुआ नहीं है, उसमें तो भी बारिश हुई है। तो अपना जो अच्छा समय चल रहा है उसको अच्छा चलने देते हैं, तुम भी 4 पैसे कमाओ हम भी 4 पैसे कमाते हैं, है कि नहीं, है ना। तो इसी तरह फिर से बोलो, आज बड़ा मैच है इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है, बड़ा मैच हो चुकी, मोटा प्राइज है, तो मोटे प्राइज के लिए मोटा टाइम देना पड़ेगा। मैं बहुत भुक्ति आती मन में क्या करें, बिगड़ चुके तो आपको टाइम देना पड़ेगा वीडियो को, ठीक है। शुरू से एंड तक आपको पूरी वीडियो आज भी देखनी पड़ेगी। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा, इतना ज्ञान मिल जाएगा कि स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप कर सकते हो आराम से और ग्रैंड लीग में भी आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें किस्मत के साथ चाहिए गेम जीतने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर हाँ, सबसे पहले एक लाइक एक कमेंट सब लोग कर दो, किसी भी हाल में एक लाइक एक कमेंट सबका आना चाहिए मेरे पास, क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। और हमारी विनिंग स्टोरी इसका कारण यही है कि आप लोग अच्छा खासा प्यार दे रहे हो। आज वाली वीडियो में उम्मीद करते हैं कि 30,000 लाइक होंगे और कम से कम 10,000 कमेंट होंगे, देखते हो पाते हैं नहीं। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, पैसे नहीं लग रहे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो तो जिंदगी में पैसे कमी नहीं आएगी। जब तक क्रिकेट जिंदा है पैसा आप कमाते रहोगे, ठीक है। बहुत वक्त चौधरी होगी रोजाली एटा साहब इंट्रो लगा, स्वागत करता हूँ हमारा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे लोग बढ़िया होकर स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज वाली वीडियो में दोस्तों बिग बैश लीग की बात नहीं करने वाले, साउथ अफ्रीका T20 की बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं बढ़िया मैच की, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। जी हाँ, ये मैच खेला जाएगा मोहाली में। हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या टीम न्यूज है, कौन ओपन करेगा, क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, क्या प्लेइंग 11 होगी दोनों टीम्स की, और पिच कैसा बिहेव करने वाली है, किस प्लेयर को कब टीम में लेना सेफ है, कब रिस्की है, कौन कब ट्रंप होगा, प्रेडिक्शन मेरे क्या है, कौन चलेगा कौन फ्लॉप होगा, सब के बारे में बात करेंगे और विस्तार में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, भाई जाके टेलीग्राम चैनल को पेल के ज्वाइन करो, जाके घुस जाओ टेलीग्राम पर, क्योंकि रोजाना हमारी विनिंग्स हो रही हैं, रोजाना हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्मॉल लीग में रेगुलर हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं, नहीं भी क्लीन स्वीप आप कर पाते हैं तो 80-90% कॉन्टेस्ट जीते हैं, तो प्रॉफिट हर मैच में हम लोग बना रहे हैं अच्छा खासा। तो इस मौके को जाने मत दो, अच्छे मेरे अच्छे समय का फायदा उठाओ, क्योंकि फिर बुरा समय आ जाएगा फिर तुम लोग खेलना स्टार्ट करोगे, ये गलत है। तो जाओ भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एकदम फ्री, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। और अगर लिंक ना भी काम करे तो टेलीग्राम पर सर्च कर लेना अनुराग द्विवेदी, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ब्लू टिक लगा वेरीफाइड चैनल है, 13,75,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी गिवअवे, हाँ तो भाई गिवअवे आज वाली वीडियो में भी है, कल वाली तो अभी सेकंड मैच बचा तो विनर बता नहीं पा रहा, मगर आज वाली वीडियो में गिवअवे है। और आज मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगा, उन तीनों सवालों का जवाब आपको देना है कमेंट करके। अगर आपने सही जवाब दिया तो भाई 3 विनर्स को मैं 10,000 रुपये दूंगा, 3 विनर होंगे और 10,000 रुपये प्राइज़ है, क्योंकि बड़ा मैच है ना तो बड़ा प्राइज़ मिलेगा। तो जो भी 3 बंदे जीतेंगे, तो जो सबसे पहले 3 बंदे होंगे सही जवाब देने वाले उन वो 3 विनर होंगे, ठीक है। और सवाल आसान पूछूंगा, मुझे पता है विनर बहुत बनने वाले हैं, तो आप मिस ना करना, आप भी ट्राई कर लेना, अगर आप सुबह सुबह वीडियो देख रहे हो तो बहुत ज़रूरी है ट्राई करना, ठीक है। तो बस शर्त यह है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर दो, बाकी सवाल हम आपसे आगे पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई बात करें हम टीम न्यूज़ की, तो क्या रोहित शर्मा विराट कोहली इस T20 सीरीज़ में वापस आ चुके हैं, मगर विराट कोहली पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ पर्सनल रीज़न है, मुझे लग रहा है कि अनुष्का भाभी प्रेग्नेंट थी, तो हो सकता है कुछ वैसा मैटर हो, जो भी पर्सनल रीज़न मुझे लग रहा वही होगा, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए पर परिवार के साथ रहना ज़रूरी है ऐसे टाइम पर। बाकी राशिद खान रूल आउट हो चुके हैं पूरी सीरीज से, तो राशिद खान नहीं खेलेंगे और स्क्वाड में नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ है। और बाकी इब्राहिम जदरान ने जो कि टीम की कैप्टनसी कर रहा है उसने चीज़ कंफर्म करी हुई है। हाँ अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 की बात कर लेंगे, बैटिंग ऑर्डर सब कुछ देख लेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी चीज़ ये है कि भाई आज बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है विजन 11 पे। जी हाँ, बहुत बड़ी लीग, करोड़ों रुपए की मेगा लीग लगी हुई है आपके लिए विजन 11 पर। तो जितने भी लोग इंडिया वाले मैच में ग्रैंड लीग खेलते हैं, ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ इरिम गिरिम 11 पर मत खेलना, यहाँ पर खेलो, यहाँ पर आपके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर 5 से 6 लाख टीम आएंगी मेगा लीग में, आसानी से 5 से 6 लाख टीम को हरा सकते हो। और स्मॉल लीग भी जो लोग खेल रहे हैं यहीं पर खेलो, यहाँ पर आपको कमीशन ज़्यादा नहीं देना होता, पैसा आपका बच जाता है, बहुत सारा सेव होता है आपका पैसा, कम कमीशन है, कम एंट्री फीस है, मोटा प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। आज मेरी वीडियो मोटे मोटे की ही बात कर रही, इसी बात पर बताओ किस किस का मोटा है, किस किस का पतला है। पापा हर उसमें क्या करूँ, मोटा मोटा ही आ रहा है, क्या करें।
ठीक है, तो जाओ जाके विजन 11 के ऐप सब लोग डाउनलोड करो। और आज वाले मैच में 1,00,000 रुपए का फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट भी है, तो जिनके पास पैसे नहीं वो लोग विजन 11 पर फ्री में 1,00,000 रुपए का कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। तो जाइए विजन 11 के ऐप डाउनलोड करिए, लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, और मेरे लिंक से अगर डाउनलोड करेंगे और रेफर कोड अनुराग यूज करेंगे तो 500 रुपए का आपको वेलकम बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कल डाउनलोड आलस मत करना। आगे बढ़ते बात करते प्लेइंग 11 की। तो भाई हाँ, प्लेइंग इंडिया के प्लेइंग मेरे ख्याल से ये होगी, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, फिर संजू सैमसन, फिर तिलक वर्मा है। और उसके अब संजू सैमसन को मैंने 3 नंबर पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 3 नंबर पर खेल के बंदे ने सेंचुरी मारी थी। ठीक है, और वरना हो सकता है कि भाई तिलक वर्मा ही आ जाए 3 पे, कहा नहीं जा सकता। फिर रिंकू सिंह है, जितेश शर्मा है, और उसके बाद अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्षदीप सिंह, फिर मुकेश कुमार। ये होगी प्लेइंग 11 इनकी इंडिया की। बाकी प्लेयर्स के बारे में आपको आगे बताता हूँ। फिर अफगानिस्तान की बात करें तो रमिल्ला गुरबाज और हजरतुल्ला जजाई ये दोनों ओपन करेंगे, फिर हैं आपके इब्राहिम जजरान, रहमत शाह, नजीबुल्ला जजरान, मोहम्मद नाबी और अजमतुल्ला उमरजाई, मुजीबुर रहमान, नवीन उलक, सॉरी नूर अहमद, नवीन उलक और फजल फारूकी। ये होगी प्लेइंग 11 अफगानिस्तान की। अब मैं थोड़ा प्लेयर्स का आपको ज्ञान देता हूँ। रोहित शर्मा हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, फर्स्ट इनिंग में इसका बल्ला अच्छा चलता है, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा नहीं चलता, कमज़ोर टीम के सामने कर चल जाता है। अब बाकी ये तो बेइज्जती हो गई, नहीं नहीं अपने ही प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल ये अग्रेसिव प्लेयर है और कुछ उसे खास दिक्कत है नहीं, इसको इस मैच में मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर करेगा, तो बढ़िया ऑप्शन रहेगा, काफ़ी तेज खेलता है। संजू सैमसन अभी तक उतने अभी चलो फाइनली इतने मैच खेलने के बाद 800 बाद 350 साल के बाद एक सेंचुरी तो मार ली इसने इंटरनेशनल क्रिकेट में, मगर अभी T20 फॉर्मेट है, इसमें देखते हैं कैसा करता है। तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं उनको लेके क्योंकि आते ही बल्ला शॉट बंदा शॉट मारने जाएगा और 10 बॉल के अंदर अपना विकेट देगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, देख लेना। उसके बाद जो है तिलक वर्मा, ये अच्छा प्लेयर है नो डाउट। फिर रिंकू सिंह बहुत बढ़िया है, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे तो आप उसको अपना ट्रम्प बना सकते हो। नितेश शर्मा को ग्राउंडिंग में ट्राई कर लेना, बहुत नीचे बैटिंग कर, नहीं ट्रम्प के तौर पर ले भी सकते हो क्योंकि विकेट कीपिंग करेगा, अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है नो डाउट। अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई दोनों स्पिनर हैं, पहली बात तो इस पिच पे स्पिनर्स के लिए उतना हेल्प है नहीं, आप जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा अभी पिच रिपोर्ट में, और तो आपके लिए सेकंड इनिंग में नहीं सेकंड इनिंग में उतना भी मैं जरूरी नहीं समझता। अगर इंडिया 200 के आसपास स्कोर लगाती है तब तो हो जाएंगे जरूरी, वरना उतना जरूरी नहीं क्योंकि अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं स्पिन अच्छी खेलते हैं नो डाउट। ठीक है, आवेश खान दोनों इनिंग बंदा विकेट टेकर है, अर्षदीप सिंह मोहाली मैच है, बंदा सरदार चमकेगा यार और क्या। मुकेश कुमार बॉलिंग उतनी खास है नहीं मगर विकेट मिल जाते हैं और क्या ही बताऊँ। बाकी अफगानिस्तान की अगर हम टीम की बात करें, गुरबाज आजकल थोड़ा अच्छा खेलता है, 10 मैच से पहले 3 मैच में चलता था, 2 मैच में चलता था, आजकल 10 मैच में 6 मैच में चल जाता है। जजाई मोटा सा है, गेंडा सा, बहुत ज़्यादा इसने भी अपना वेट बढ़ा लिया है, उतना कंसिस्टेंट है नहीं तो इसको इतना ज़रूरी नहीं है टीम में। इब्राहिम जजरान थोड़ा टिककर खेलता है, संभाल कर खेलता है, ये आपके लिए सेफ पिक होगा। रहमत शाह भी T20 के हिसाब से उतना तेज तो नहीं खेलता मगर फिर भी ठीक प्लेयर है, चाहो तो रख सकते हो। नजीबुल्ला जजरान पता नहीं 1.5-2 साल से क्या हुआ इस बंदे का, पहले इतना अच्छा बैटिंग करता था, अभी इसका बहुत ख़राब डाउनफॉल चल रहा है। मोहम्मद नाबी से ज़्यादा उम्मीद करना मत। अजमतुल्ला उमरजाई इंडिया के सामने वर्ल्ड कप मैच खेला था, बंदा बहुत मारा था, इसको रखना जरूर क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर रहा है। मुजीबुर रहमान उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नूर अहमद को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट आर्म वो क्या बोलते ये चाइना मैन, तो ये जो रिस्ट स्पिनर होते हैं ना ये किसी भी उसमें कभी भी किसी भी हाल में जो विकेट ले सकते हैं। बाकी नवीन उलक है, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कराते हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डेथ में विकेट लेके दे सकता है, कटर स्लोअर बॉल्स की जो वेरिएशन है इसके पास वो काफ़ी काम की है। फजल फारूकी को ग्राइंडिंग में ट्राई करना, स्मॉल लीग मैं नहीं बोलूँगा ट्राई करने के लिए, फर्स्ट इनिंग अगर बॉलिंग करे अफगानिस्तान तो जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पिच के बारे में, लेकिन पिच के बारे में बात करने से पहले बात करता हूँ प्रोबो के बारे में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है प्रोबो के बारे में, अभी उनको समझा देता हूँ। तो भाई प्रोबो जो लोग फैंटेसी में पैसे नहीं कमा पाते हैं, जो लोग एक प्लेयर या कैप्टन वाइस कैप्टन की वजह से हार जाते हैं फैंटेसी में लॉस में, उन लोग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रोबो। क्यों? क्योंकि प्रोबो पर आपको 11 प्लेयर की फैंटेसी टीम नहीं बनानी, प्रोबो पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चुनना, प्रोबो पर आपको चल रहे सवालों के आसानी से जवाब देने हैं हाँ या ना में, अगर आपने सही जवाब दिए तो वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको डिपॉजिट करने की जरूरत है नहीं, आज आप प्रोबो कैप डाउनलोड करो मेरे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, तो आपको 50 से 100 रुपये का वेलकम बोनस मिलेगा और पूरा बोनस आप 100% यूज़ कर सकते हो पहले दिन एकदम फ्री। तो जाओ जाके आज डाउनलोड करो, ट्राई करो प्रोबो, मेरे ख्याल से 100% आपको मजा आने वाला है और बहुत ही आसान है यहाँ पर जीतना। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल, कबड्डी, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, पॉलिटिक्स, बहुत सारी फील्ड हैं, जिस भी फील्ड का आपको अच्छा ज्ञान है उस फील्ड का अपना ज्ञान इस्तेमाल करो और पैसे कमाओ, सिंपल है। ठीक है, और एक और चीज़ जो आज के इंडिया वाला मैच होने वाला है, इसके 3 सवालों के जवाब मैं आपको प्रेडिक्शन में आपको देने वाला हूँ, तो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं पिच के बारे में। भाई पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मैच होगा, ठीक है, पीसीए में, तो ये मोहाली में, तो ये पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है।
एवरेज स्कोर 183 आया है। कितना सुंदर नंबर है 183, वाह 183 यहाँ के एवरेज स्कोर है, यानी 190-200 का आपको स्कोर देखने को मिल सकता है अगर इंडिया, स्पेशली इंडिया अगर पहले बैटिंग करे तो। पेसर्स को अच्छा बाउंस मिलता है और स्ट्रोक मेकिंग थोड़ा ईजी है, ठीक है, और शुरुआती ओवर्स में बॉल को थोड़ा मूवमेंट मिलता है, स्विंगिंग करती है, तो जो टिकाऊ प्लेयर है बहुत ही अच्छा कर जाएगा। अरे मारने वाली भी अच्छा ही कर सकते हैं। बाकी पिछले चार मैच यहाँ पर हुए हैं उनमें पेसर्स मिली हैं 31 विकेट, स्पिनर्स को सिर्फ 11 विकेट मिले हैं। स्पिनर्स को उतनी अच्छी हेल्प नहीं है, मैं कहा फिर भी 200 रन का प्रेशर होगा सेकेंड इनिंग में, स्पिनर्स वेस्ट स्पिनर को भी विकेट मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी हाँ ड्यू के चांसेस हैं और पिछले 6 में से 4 मैच यहाँ पर चेस हुए हैं तो चेसिंग बायस भी है, तो इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो 190 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिलेगा, फिर आप बिश्नोई को ट्राई कर सकते हो, वरना मैं उतना तवज्जो नहीं देता। बात खत्म, उर्दू बोलने लगा मैं तो, हैं सब सीख रहा हूँ मैं, लगता है जब एंट्री मारी दूँ बॉलीवुड में सब कुछ कर लूँगा मैं। हाँ तो हेड टू हेड की बात करें, लेकिन हेड टू हेड की बात करने से पहले मैं अपने गिवअवे का पहला सवाल पूछता हूँ। तो भाई हमारा पहला सवाल ये है कि आज के इस मैच में अफगानिस्तान की टीम से सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कौन सा प्लेयर देने वाला है, गेस करिए अफगानिस्तान की टीम से सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कौन देगा, उस प्लेयर का आपको नाम गेस करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर आपने तीन में अभी तो पहला सवाल पूछा, आगे दो सवाल और पूछूंगा, तीनों सवालों का अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप 10,000 रुपये जीत जाएंगे और आपको आपका नाम कल की वीडियो में आ जाएगा। शर्त ये कि वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो वो कर लेना, और हाँ तीनों सवालों का जवाब एक ही कमेंट में देना, ठीक है, आपको सवाल आगे मिल जाएंगे, दो सवाल बाकी जो बचे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई 5 मैच खेले गए और 1 मैच ट्राई हुआ था और मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया था बारिश वारिश की वजह से, 4 के 4 मैच बाकी इंडिया जीती है, अफगानिस्तान एक भी मैच भी नहीं जीती इंडिया के सामने T20 इंटरनेशनल में। अब बात करें दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में आते पहले तो भाई गुरबाज हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, लेकिन पावर प्ले को यूटिलाइज कर सकता है, स्मॉल लीग में रख सकते हो क्योंकि विकेट कीपिंग से आपको बैकअप देगा। अगर 4 नंबर पर या 3 नंबर पर बैटिंग कर रहा है संजू सैमसन तो आपके लिए ठीक ठाक पिक हो सकता है, ठीक है, हालांकि विकेट कीपिंग मेरे ख्याल से अगर जितेश शर्मा खेला तो जितेश शर्मा ही करेगा, मैं उतना नहीं करूँगा। बाकी होम ग्राउंड है जितेश के लिए, अगर जितेश अगर पहले बैटिंग करे इंडिया पहले बैटिंग करे इसको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा इसको। अब बात करते हैं बल्लेबाजों की, लेकिन बल्लेबाजों की बात करने से पहले मैं बात करूँगा इसकी क्या नाम है हाँ गिवअवे के दूसरे सवाल की। तो हमारा दूसरा सवाल जो आज की वीडियो का है वो ये है कि मैन ऑफ द मैच इस मैच में कौन सा प्लेयर बनने वाला है, गेस करिए और बताइए मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, उस प्लेयर का नाम आपको गेस करना है, ठीक है। तो दो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख लो, एक सवाल बचा हुआ है आगे पूछ लूँगा, तीनों सवालों का जवाब एक ही कमेंट बॉक्स में आंसर करना, जवाब आपके सही होते हैं 10,000 रुपये आप जीत जाओगे बस, और सिर्फ टॉप 3 लोग को विनर मतलब पैसा मिलेगा, जो 3 लोग सबसे पहले सही जवाब देंगे उनको पैसा मिलेगा, तो अभी ट्राई करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो बल्लेबाजों की बात करें भाई रोहित शर्मा जायसवाल दोनों अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और अच्छे ऑप्शन है, तो लेकिन दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन नहीं, हालांकि जायसवाल कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ठीक ऑप्शन है, उसको ट्राई कर सकते हैं, और रोहित को मैं नहीं मानता, मगर तिलक वर्मा ये डिसेंट ऑप्शन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई करना। और लेकिन एक चीज़ देखना कि भाई 2 ऑफ स्पिनर हैं अफगानिस्तान के सामने, एक तो मुजीबुर रहमान आपका हो गया, एक आपका हो गया ये क्या नाम है इसका मोहम्मद नबी, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी अफगानिस्तान की टीम से आप इब्राहिम जजरान को ट्राई कर सकते हो क्योंकि उसकी टेक्निक अच्छी, टेक्निकल प्लेयर है, एंकर करके खेलता है, रहमत शाह की भी टेक्निक अच्छी है, ठीक है, बट इस फॉर्मेट में उतना तेज ही नहीं खेलता जैसे मैंने प्लेइंग 11 में बात करी थी। जजाई को ग्राइंडिंग में ट्राई करना, हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, कंसिस्टेंट नहीं रहता। रिंकू सिंह मतलब पहले बैटिंग करते हो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि आजकल क्या ही कैमियो खेल रहा है, ये बंदा अलग ही इसकी दुनिया में। ऑलराउंडर की बात करें उमर जाही नाबी ये दोनों अच्छे ऑप्शन हैं, ऑलराउंडर वाला रोल प्ले करेंगे, और क्योंकि अब इंडिया के पास कुछ लेफ्टी प्लेयर खेल रहे हैं तो इस वजह से नाबी का रोल थोड़ा बढ़ जाता है, तो नाबी को भी आप ले लेना वरना नाबी को मैं ड्रॉप करता। अक्षय पटेल भी ऑलराउंडर वाला रोल प्ले करेगा, तो इंडिया स्पेशली अगर पहले बैटिंग करें तो भूल कर भी मिस मत करना अक्षय पटेल को। बॉलर्स की बात करें अर्षदीप सिंह तो भाई उसका होम ग्राउंड है, दोनों इनिंग में अच्छा है, ठीक है, नहीं रखना, और वैसे भी देखें तो पावर प्ले में 2 ओवर डालेगा अर्षदीप, और अफगानिस्तान के जो ओपनर्स हैं दोनों ही कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, हिट एंड मिस टाइप वाले हैं वो चीज़। नवीन उलग फजल फारूकी आपके लिए बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, फजल फारूकी आपके लिए ट्रंप हो सकता है। बिश्नोई विकेट टेकिंग फॉर्म में है, उसको आप दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, मगर मैं बोलूँगा सेकेंड इनिंग में ट्राई करना ज़्यादा सेफ होगा क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर भाई स्पिन अच्छी खेलते हैं, नो डाउट। बाकी मुकेश कुमार आवेश खान में से कोई भी एक प्लेयर आपका ट्रंप हो सकता है पहले बॉलिंग करते हुए, मैं कहूँगा आवेश खान ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। बाकी मुजीब और नूर ये दोनों सेफ नहीं है क्योंकि इंडिया के प्लेयर भी स्पिन अच्छी खेलते हैं और पिच से भी उतना स्पिनर्स के लिए हेल्प नहीं है, ठीक है, मगर अगर आपको मैं बोलूँ मुजीब नूर में से किसी एक को ट्राई करने के लिए तो आप मैं बोलूँगा अपन नूर को ट्राई करना, ठीक है, तो वो चीज़ है।
क्योंकि दो साइड मोहाली में जैसा जहाँ तक मुझे पता है दो साइड के डायमेंशन बड़े हैं, तो नूर अहमद अपना दिमाग से खेल सकता है वो। अब बात करता हूँ मैं मैच के प्रेडिक्शन की, लेकिन मैच के प्रेडिक्शन की बात करने से पहले मैं अपने प्रोबो की प्रेडिक्शन देता हूँ। तो प्रोबो के बारे में मैंने जो आपको बताया स्टार्टिंग में, आपको पता ही होगा कि ओपनिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यस नो करके पैसा कमा सकते हो, ना 11 प्लेयर की टीम, ना कैप्टन वाइस कैप्टन का झंझट है ना। और पहली बात और अच्छी बात है कि 50,000 रुपये का फ्री वेलकम बोनस, पूरा फ्री में यूज़ करो, पहले दिन 100% यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जाके प्रोबो का ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, प्रेडिक्शन में दे देता हूँ। तो वैसे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, मगर मैंने 3 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल ये कि इंडिया की टीम आज का मैच जीतेगी, हाँ या ना? मैं इसमें करूँगा यस, जीतेगी, मैं इसमें यस से पैसा इन्वेस्ट करूँगा। बाकी इंडिया की टीम 6 ओवर में 45 रन बना लेगी, इंडिया की टीम, एक मिनट मैं देखूँ ये सवाल इंडिया की टीम का है या फिर अफगानिस्तान की टीम का, ये मुझे ज़रा देखना है, रुके रहिए, कहाँ भाग रहे हैं। हाँ, इंडिया की टीम 6 ओवर में 45 रन बना लेगी, तो मैं इसमें करूँगा यस। सैमसंग प्लेइंग 11 में होगा मेरे ख्याल से, होगा तो मैं इसमें भी करूँगा यस। तो तीनों सवालों में मैं यस करूँगा, यस से पैसा इन्वेस्ट करूँगा, आप अपना देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैच की प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो भाई जयसवाल और तिलक वर्मा मेरे ख्याल से रन बनाएंगे इंडिया के लिए, ये मेरा प्रेडिक्शन है। जयसवाल और तिलक वर्मा पक्का रन बनाएंगे, बाकी रोहित शर्मा और सैमसंग में से कोई एक प्लेयर चलेगा। बाकी इंडिया के लिए विकेट, मोस्टली इंडिया के लिए विकेट अर्शदीप सिंह, आवेज खान ही लेंगे, और इनके लिए अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जदरान और उमर जाई बैटिंग से अच्छा रोल प्ले करेंगे, और इनके साथ में रहमत शाह गुरबाज में से किसी एक का बल्ला चल सकता है, ठीक है। उमर जाई पर उतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है बैटिंग ही ना, अगर बैटिंग आती है, अपॉर्चुनिटी मिलती तो अच्छा ही करेगा। और अगर मैं बात करूँ फोर्थ प्रेडिक्शन की, तो नवीन उलक फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए और नूर अहमद सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए अफगानिस्तान के लिए विकेट लेंगे, ठीक है, ये चीज़। बाकी मैच इंडिया जीतेगी, ये मेरे 5 प्रेडिक्शन है। ऐसा नहीं कि 5 ही हैं, और प्रेडिक्शन आपको मिलेंगे, मगर टेलीग्राम पर टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर से मैं देख लूँगा, एक बार कंफर्म हो जाऊँगा, तो मैं आपको और प्रेडिक्शन दे दूँगा, तो वो आपको और हेल्प करेगा ग्रैंड लीग स्मॉल लीग जीतने में, ठीक है। अगर हम बात करें फैंटेसी की टीम की, तो अभी जो भाइयों मैंने टीम बनाई है फैंटेसी की, आपके स्क्रीन के सामने आप देख लो, फिलहाल ये टीम है। बाकी वैसे आपको पता है मैं लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ इस मैच में, अभी 10 वैसे इंडिया के मैच में ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करता, मगर 10 लाख रुपये तो इन्वेस्ट करूँगा ही। तो जिस टीम से मैं 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करूँगा, सेम टीम आपको मैं फ्री में टेलीग्राम पर दे दूँगा। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर लो, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको अच्छे बड़े बड़े गिवअवेज ऑफर्स मेरी फाइनल टीम फ्री में मिलती रहती है, ठीक है। तो जाके ज्वाइन कर लो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। हाँ, और हमारा जो गिवअवे का भाई तीसरा सवाल था उसकी बात करें, तो भाई तीसरा सवाल ये है कि इंडिया के बॉलर्स में सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन दे, नहीं, इंडिया की टीम से सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देने वाला है, गेस करो। इंडिया की टीम से सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कौन देगा, उस प्लेयर का आपको नाम गेस करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। तो 3 सवाल मैंने आपसे वीडियो में पूछे, तीनों सवालों का जवाब कमेंट में आंसर कर दो। जो 3 बंदे सबसे पहले सही जवाब देंगे, उनको 10,000 रुपये का प्राइज़ मिलेगा। शर्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो वो कर देना। बाकी साउथ अफ्रीका T20 लीग बिग बैश की वीडियो मैंने नहीं बनाई आज, और टेलीग्राम पर मैं वो भी मैच कवर करूँगा, तो एक्टिव रहना। और कल हम साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी लीग वाले मैच की वीडियो बनाएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तैयार रहो। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, टेलीग्राम पर मिलते हैं फाइनल टीम के साथ। थैंक यू सो मच जिन्होंने पूरा वीडियो देखा, बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।